like a Hellcat. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस. आज का सेशन है हमारा क्लास फोर्थ का सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर टू, सेंस ऑर्गन विंडो टू द वर्ल्ड. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज ए. टेक राइट ऑन द करेक्ट ऑप्शन. इसमें हमें चूज द करेक्ट करना है. जो ऑप्शन सही होगा उसके ऊपर टिक लगाना है. फर्स्ट है हमारा सेंस ऑर्गन सेंड मैसेजेस टू द. जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो मैसेज किसे भेजते हैं? हमारे ब्रेन को, नोज को या ईयर्स को. तो जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो हमें मैसेज भेजते हैं हमारे ब्रेन को. तो हमने यहाँ पे ब्रेन पर टिक लगाया है. सेकंड है आईज आर ऑर्गन ऑफ. जो आईज है वो किस चीज के लिए ऑर्गन है, मतलब क्या करता है वो ऑर्गन? तो आईज जो होती है क्या वो विजन करती है, देखती है, टच करती है या स्मेल करती है? तो जो आईज होती है वो विजन के लिए होती है, देखने के लिए होती है. तो हमने विजन पर टिक लगाया है. अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर. थर्ड है ओपनिंग इन द नोज आर कॉल्ड. मतलब जो हमारी नोज की ओपनिंग्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं, नोस्ट्रिल्स कहते हैं या बुड्स कहते हैं? तो वो होती है हमारी नोस्ट्रिल्स. तो हमने यहाँ पे नोस्ट्रिल्स पर टिक लगाया है. फोर्थ है हमारा द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी इज. जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है वो क्या होता है? स्किन होती है, नोज होती है या फिर टंग होती है? तो वो होती है हमारी स्किन. तो हमने यहाँ पर क्या करा है? स्किन पर टिक लगाया है. देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने बी वाले पोर्शन पर. विच सेंस ऑर्गन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग. मतलब कि कौन सा ऑर्गन है जो कि इन चीजों के लिए रिक्वायर है, जरूरी है. फर्स्ट है हमारा स्मेलिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स. तो मतलब हमें जो फ्लावर की फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, वो किसकी हेल्प से मतलब पता चलती है? तो वो होती है हमारी नोज की वजह से. तो हमने यहाँ पर लिखा है नोज. सेकंड, फीलिंग हॉट और कोल्ड. हमें किसकी वजह से पता चलता है कि कोई भी चीज गर्म है या ठंडी? तो वो होती है हमारी स्किन की वजह से. तो हमने यहाँ पर लिखा है स्किन. थर्ड है वॉचिंग टेलीविजन. हमें टेलीविजन मतलब टीवी किसकी मदद से देख पाते हैं? तो वो है कौन सा सेंस ऑर्गन है वो वाला? वो है हमारी आईज. तो हमने यहाँ पे लिखा है ई वाई ई एस, आईज. फोर्थ है हियरिंग योर फेवरेट सॉन्ग. मतलब कि हमारा फेवरेट सॉन्ग हम किस ऑर्गन की वजह से सुन पाते हैं? तो वो है हमारे ईयर्स. फिफ्थ है टेस्टिंग द डिलीशियस डिशेस. मतलब हम अच्छी अच्छी डिशेस किसकी वजह से टेस्ट कर पाते हैं? तो वो होती है हमारी टंग. तो हमने यहाँ पे लिखा है टी ओ एन जी यू ई, टंग. यहाँ पे ये बी वाला पोर्शन हमारा फिनिश होता है. अब हम आ जाते हैं हमारे सी वाले पोर्शन पर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है? क्वेश्चन आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर वन, हाउ डू सेंस ऑर्गन हेल्प अस. जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो हमारी किस तरीके से मदद करते हैं? तो इसका आंसर है आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर सेंस ऑर्गन. जो आईज होती है, ईयर्स होते हैं, नोज, नाक होती है, टंग होती है, जीभ होती है हमारी, और जो स्किन है, त्वचा, ये सब क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन है. वी सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील विद द हेल्प ऑफ अवर सेंस ऑर्गन. हम जो है सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल मतलब सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को चख सकते हैं या फिर किसी भी चीज को फील करना यानी महसूस कर सकते हैं. और वो हम ये सब किन की वजह से कर सकते हैं? हमारे इन सेंस ऑर्गन्स की वजह से ही कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ईयर्स. जो ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है? इसका आंसर है ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग डिफरेंट साउंड्स. दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड. जो सेंस ऑर्गन है हमारा ईयर्स, वो क्या करता है? हमें अलग अलग आवाजों को सुनने में हेल्प करता है. मतलब उसी से हमें आवाज सुनाई देती है और उसी की मदद से हम ये समझ पाते हैं कि कौन सा साउंड प्लीजेंट मतलब अच्छा है और कौन सा अनप्लीजेंट, कौन सा साउंड बुरा है. ये हमें केवल अपने ईयर्स के थ्रू ही पता चल पाता है. थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम. वॉट डू वी यूज आईज फॉर. हम अपनी आईज का यूज कैसे करते हैं, मतलब क्या यूज करते हैं अपनी आईज का? तो इसका आंसर है
आईज आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ विजन ऑफ साइट. जो सेंस ऑर्गन है आईज, वो क्या करती है, हमें देखने में मदद करती है, उसी वजह से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं. दे हेल्प अस टू सी वेरियस शेप्स कलर्स मूवमेंट्स एटसेट्रा. उसी आईज की वजह से हम अलग अलग शेप्स को, कलर्स को, अलग अलग मूवमेंट्स को, सब चीजों को देख सकते हैं हमारे आसपास जो भी होती है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द रोल ऑफ नॉस्ट्रिल्स. जो नॉस्ट्रिल्स होती है, हमारी नोज होती है, उसका क्या काम होता है. तो इसका आंसर है द स्मेल इंटर्स द नोज थ्रू नॉस्ट्रिल. जो हमारी नोज होती है, मतलब जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं हमारे नोज की, उसी के थ्रू जो स्मेल होती है, जो सुगंध होती है, या जो भी स्मेल होती है, वो उसी के थ्रू हमारी नोज के अंदर आती है, एंटर करती है. देन फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो दैट सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट गो टूगेदर. आपको ये कैसे पता है, कैसे पता चलता है कि जो हमारा स्मेल करने का और जो टेस्ट करने का सेंस है, वो दोनों एक साथ काम करता है या दोनों एक साथ जाता है. आंसर, द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट गो टूगेदर. जो सेंस होते हैं, मतलब जो स्मेल के सेंस होते हैं और जो टेस्ट के सेंस होते हैं, ये दोनों एक साथ जाते हैं हमारे अंदर. वेन वी स्मेल समथिंग गुड, अवर ब्रेन सेंड अ मैसेज टू अवर माउथ. जब भी हम कोई अच्छी सी स्मेल लेते हैं, मतलब कोई अच्छी सुगंध हमारी नाक में जाती है, तो क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है वो क्या करता है, हमारे माउथ को मैसेज सेंड करता है. और उसके बाद एंड इट स्टार्ट्स वाटरिंग, और उसके बाद हमारे मुंह में क्या आने लग जाता है, पानी आने लग जाता है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देखा जाए, तो जब भी हम कोई बैड स्मेल पुट अस ऑफ, अगर कोई भी हम बैड स्मेल सुनते हैं, तो हमारा मुंह क्या होता है, उसे खाने का मन उसे नहीं होता है. तो इसका मीन्स क्या है कि जो स्मेल होती है और जो टेस्ट होता है, वो दोनों सेंस साथ में हमारे यहाँ अंदर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, हु आर स्पेशल प्यूपल्स. स्पेशल प्यूपल्स कौन होते हैं. तो इसका आंसर है, देयर आर मैनी पीपल हुज बॉडी पार्ट्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली. बेटा मतलब कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कुछ बॉडी पार्ट्स ठीक से काम नहीं करते हैं. दे आर स्पेशल और डिफरेंटली एबल पीपल, और वही लोग क्या कहलाते हैं, स्पेशल पीपल और डिफरेंटली एबल पीपल कहलाते हैं. अब हम आ जाते हैं अपने डी वाले पोर्शन पर. कंप्लीट द ब्लैंक बॉक्सेस. यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दिए हैं जो कि क्या है, खाली है, तो हमें उसको फील करना है. जैसे सेंस ऑर्गन, यहाँ पे पूरा उन्होंने चार्ट दिया है, हमें यहाँ पे क्या करना है, जो लिखा हुआ है उसके थ्रू जो बचा है उसे फील करना. जैसे आईज, तो आईज कौन सा काम करती है, देखने का, तो हमने यहाँ पे लिखा है सी. देन उसके बाद ये वाला बॉक्स तो क्या है, ब्लैंक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है हियर. हियर मीन्स सुनना, तो सुनते हम किसकी हेल्प से है, ईयर्स की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ईयर्स. देन नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है नोज, तो नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्मेल. अब यहाँ पे दो बॉक्स मैंने खाली छोड़ के रखे, ये आपको खुद फील करना है. टेस्ट हमें किसकी वजह से होता है, तो जो भी इसका आंसर है आप यहाँ पर फील कर दीजिएगा. स्किन, स्किन की वजह से हमें क्या होता है, वो हमें यहाँ पे लिखना है, तो आपको इसे खुद लिखना है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर. ये जो पूरा पेज आपके सामने है, ये आपको खुद फील करना है, और यहाँ पर आपका चैप्टर मैं फिनिश करती हूँ. आपको जब भी आपको ये कॉपी में कंप्लीट करना है सेकंड चैप्टर, और स्कूल में लाके मुझे कॉपी चेक करवानी है जब भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा. थैंक यू.